गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आज लेक्चर नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रुप की, जो कि है अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम से लेके बेरियम तक, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, इस ग्रुप का ट्रिक है। आज हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल ट्रेंड्स, उसका डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों, क्योंकि फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने अल्काइली मेटल का डिस्कशन किया था। तो आज हम शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। आज की क्लास में ग्रुप 2 एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल, सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टी है हाइड्रेशन की एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन की एंथैल्पी है, उसका ऑर्डर क्या होता है, क्या हाइड्रेशन की एंथैल्पी में हमें क्या चीज ध्यान में रखना है। इंक्रीज इन आयनिक साइज डाउन इन द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमेशा आयनिक और एटॉमिक रेडियस तो बढ़ता है। जब आयनिक और एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है बेरिलियम +2 का, फिर मैग्नीशियम +2 का, फिर कैल्शियम +2 का, फिर स्ट्रॉन्शियम +2 का, और सबसे कम होता है बेरियम +2। दिस कंपाउंड ऑफ अल्कलाइन मेटल्स आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ अल्काइली मेटल्स। MgCl2 एंड CaCl2 एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जस्ट लाइक MgCl2.6H2O, CaCl2.6H2O, वाइल NaCl एंड KCl डू नॉट फॉर्म सच हाइड्राइड्स। MgCl2 और CaCl2 हाइड्राइड्स बनाते हैं, जबकि NaCl और KCl हाइड्राइड नहीं बनाते। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट है फ्लेम टेस्ट। बुनसन बर्नर पर अगर आप इन अल्कलाइन अर्थ मेटल को जलाते हैं तो कौन कौन सा कलर आता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रॉन्गली बाउंडेड टू गेट एक्साइटेड बाय द फ्लेम, इसीलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम का कोई कलर नहीं आ रहा है, जबकि जो कैल्शियम है बुनसन बर्नर पर कौन सा कलर दे रहा है बच्चों, ब्रिक रेड, चटकीला लाल कलर मिलता है आपको कैल्शियम का। स्ट्रॉन्शियम जो है उसका क्रीमीजन रेड और बेरियम का एप्पल ग्रीन कलर होता है। तो जैसे अल्काइली मेटल भी बुनसन बर्नर पर स्पेसिफिक कलर देते हैं, वैसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल भी फ्लेम टेस्ट में बुनसन बर्नर पर स्पेसिफिक कलर देंगे। सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम क्यों नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए वो एक्साइटेड नहीं होते हैं और कलर नहीं देते। क्लियर है बच्चों। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके ऑक्साइड्स कैसे होंगे, जैसे ये बेरिलियम का ऑक्साइड है BeO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है MgO, MgO2, कैल्शियम का ऑक्साइड CaO एंड CaO2, स्ट्रॉन्शियम का ऑक्साइड SrO एंड SrO2, बेरियम का ऑक्साइड BaO एंड BeO2। इनमें जो बेरिलियम का जो ऑक्साइड है BeO इज एम्फोटेरिक मीन्स इट वर्क लाइक एज ए एसिड और एज ए बेस, दैट्स व्हाई द पीएच इज 7, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है एंड कोवेलेंट होता है। व्हाइल ऑक्साइड ऑफ अदर एलिमेंट आर आयोनिक, बाकी सभी के ऑक्साइड्स क्या होंगे बच्चों, आयोनिक होंगे और बेसिक इन नेचर होंगे। तो एक्सेप्शन कौन है, बेरिलियम ऑक्साइड। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रूल है, जितने एक्सेप्शन आपने परफेक्टली प्रिपेयर किए हैं वो ही एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो बेरिलियम ऑक्साइड क्या हो गया, एम्फोटेरिक है एंड कोवेलेंट है, बाकी के सभी क्या है, आयनिक है एंड बेसिक इन नेचर है। अभी ऑक्साइड की बात होगी बच्चों, अब बात करते हैं हाइड्रोक्साइड की। जो बेरिलियम का ऑक्साइड है या कोई भी ऑक्साइड है MO, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के मेटल का ऑक्साइड है, उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड मिलेगा, राइट। द सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड
The basic character of these hydroxide increase with increasing atomic number. Atomic number बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे जाने पर इनका solubility, thermal stability and basic characteristics increase होता है ना। इसमें beryllium तो exception है, इसीलिए magnesium hydroxide से barium hydroxide की बात हम कर रहे हैं। जो beryllium का hydroxide है is amphoteric in nature। कैसा होता है बच्चों वो? एम्फोटेरिक इन नेचर। इट रिएक्ट विद एसिड एंड एल्काइली बोथ। एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेव कर सकता है, इसीलिए वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। क्लियर है बच्चों? तो ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका लेटाइस एंथैल्पी डिक्रीज मच मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो लेटाइस एंथैल्पी होती है, कंस्ट्रक्शन का एंथैल्पी होता है ना, इट डिक्रीज मच मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी विद इंक्रीजिंग आयनिक साइज। आयनिक साइज बढ़ती है तब द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज एज वी गो डाउन टू द ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होता। एक्सेप्शन रहेगा बेरिलियम का, क्योंकि बेरिलियम के साथ हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो ये बेरिलेट आयन बनाता है। और ये बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये वो बेरिलेट आयन बनाएगा, BeOH का होल फोर Cl2। बेरिलेट आयन एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है, क्योंकि बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के जैसा बिहेवियर शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप में, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, विच इज नोन एज बेरिलेट आयन। तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का बात हो गया बेटा। नेक्स्ट है हैलाइड्स। जब इन मेटल का हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटलिक हैलाइड्स बनते हैं। कैसे बनेंगे बच्चों? उनमें हम जैसे बेरिलियम एक्सेप्शन है ऑलवेज ही, बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट। जो बेरिलियम का हैलाइड्स होगा वो कैसा होगा बच्चों? कोवेलेंट इन नेचर एंड सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेरिलियम क्लोराइड हैज चेन स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इसका ऐसा है चेन स्ट्रक्चर होता है, बेरिलियम के साथ क्लोरीन जोड़ रहा है उनको। ये क्लोराइड क्लोराइड ब्रिज भी बोलते हैं इसको, दिस इज ClCl ब्रिज, क्योंकि दो बेरिलियम को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? क्लोरीन कर रहा है, इसीलिए हम उसको ClCl ब्रिज भी बोलते हैं। सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। इन वेपर फेज BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म ए क्लोरोब्रिज डाइमर। क्लोरोब्रिज डाइमर का मतलब क्लोरीन को जोड़ रहा है आपस में, क्लोरोब्रिज डाइमर विच एसोसिएट इनटू द लीनियर मोनोमर एट हायर टेम्परेचर ऑफ ऑर्डर ऑफ 1200 केल्विन। अगर 1200 केल्विन टेम्परेचर पर अगर इसको हीट किया जाता है तो ये जो डाइमर है वो मोनोमर में टूट जाता है। ये डाइमेरिक फॉर्म है गैसियस और वेपर स्टेट में, इसमें क्लोरीन क्लोरीन ब्रिज हो रहा है, ये क्लोरीन क्लोरीन ब्रिज है, क्योंकि ये दो बेरिलियम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है बच्चों? क्लोरीन कर रहा है, राइट, इसीलिए इसको क्लोरो ब्रिज बोला है। अब जब 1200 केल्विन पर हीट कर देना इसको हम, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। टू मोल्स ऑफ दिस इज फॉर्म व्हेन वी विल हीट इट 1200 केल्विन टेम्परेचर, राइट, देन इट इज मोनोमेरिक फॉर्म। द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड्स हाइड्रेट ग्रेजुअली डिक्रीज। ऊपर से नीचे जाने पर जो हैलाइड्स का हाइड्रेटेड फॉर्म में टेंडेंसी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। कैसे डिक्रीज होता है? जैसे LgCl2.8H2O होता है, CaCl2.6H2O होता है, SrCl2.6H2O होता है एंड BaCl2.2H2O है। जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये हाइड्रेटेड हैलाइड्स का जो टेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले 8 वाटर मॉलिक्यूल थे, बाद में 6 आया, बाद में 2 आ गया, राइट, क्लियर है बच्चों हैलाइड्स का। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अब सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स में कौन कौन से सॉल्ट है? कार्बोनेट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है। ये कार्बोनेट सल्फेट एंड नाइट्रेट के अंदर हम देखेंगे उनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है,
है ना, और उनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बच्चों बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स में, कुछ भी पूछ सकते हैं, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट्स, उनकी सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल सॉल्ट इन वॉटर डिक्रीज एज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल आयन इंक्रीज। जैसे जैसे मेटल आयन का नंबर बढ़ेगा उनका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है, यानी कि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी का अमाउंट क्या रहेगा, बेरिलियम प्लस टू का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम प्लस टू, फिर कैल्शियम प्लस टू, फिर स्ट्रॉन्शियम प्लस टू, फिर बेरियम प्लस टू, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज, ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो अब आप देखिए, ये कार्बोनेट्स है तो यहां सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम होता है। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, ये बेरिलियम का होगा, बेरिलियम का कार्बोनेट सबसे ज्यादा उसी का होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता है ना, थर्मल स्टेबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ेगा जबकि सॉल्युबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। यहां पर भी ऐसा ही है बच्चों, सॉल्युबिलिटी जो है वो ऊपर की तरफ, यानी बेरिलियम मैग्नीशियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट का ज्यादा होगा ऊपर, थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ेगा। सेम स्टफ इज हियर, नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, नाइट्रेट जो होंगे उनके यहाँ सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे कम होगा जबकि थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। तो बच्चों ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है सॉल्युबिलिटी के रेस्पेक्ट में एंड थर्मल स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। बच्चों पहले ही क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो बेरिलियम है अपने डायगोनल पर आने वाले एल्यूमिनियम के साथ सिमिलरिटीज रखता है। बेरिलियम जो ग्रुप का पहला पहला एलिमेंट है ना, पहला पहला एलिमेंट बेरिलियम, वो क्या करता है, अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट के साथ सिमिलरिटीज नहीं रखे, अपने डायगोनल पर आने वाले एल्यूमिनियम के साथ सिमिलरिटीज रखता है। इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे सीधी बात होती ना, सबको अपना बच्चा ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बोलते पास वाले शर्मा जी का बच्चा अच्छा है ना, तो अपने बच्चे से रिलेशन नहीं रखते, पास वाले से ज्यादा रिलेशन रखते, यानी उसकी बात ज्यादा करते। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, बेरिलियम अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट के साथ सिमिलरिटीज नहीं रखे, अपने डायगोनल पर आने वाले एल्यूमिनियम के साथ सिमिलरिटीज रखता है। अब वो सिमिलरिटीज क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। द चार्ज रेडियस रेशियो इज नियरली द सेम, दोनों का चार्ज अपॉन रेडियस का जो रेशियो है वो लगभग लगभग बराबर होता है। लाइक एल्यूमिनियम, बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। इसकी सरफेस पर भी एल्यूमिनियम के तरह एक ऑक्साइड का लेयर होता है, इसीलिए ये एसिड के साथ फटाफट रिएक्ट नहीं करता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ एल्काइली टू गिव द बेरिलेट आयन। अगर आप एक्सेस ऑफ एल्काइली में इसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो आपको क्या देगा, बेरिलेट आयन। जैसे एल्यूमिनियम देता है ना, जस्ट एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव एल्यूमिनेट आयन, जैसे एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट आयन देता है वैसे ही बेरिलियम बेरिलेट आयन देगा, दोनों में सिमिलरिटी है। द क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव क्लोराइड माइनस ब्रिज, क्लोराइड ब्रिज, क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। हमने अभी देखा था ना वेपर फेज में जो ये डाइमर बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम भी AlCl3 नहीं बना के Al2Cl6 बनाता है, ये भी क्या बनाता है Al2Cl6 बनाता है, AlCl3 नहीं बनाता, ये डाइमर बनाता है और बेरिलियम भी डाइमर बनाता है, यानी दोनों में एक जैसा सिमिलरिटीज है।
Both the chlorides are soluble in organic solvent and are strong Lewis acid. Strong Lewis acid होते हैं क्योंकि इनमें octet complete नहीं होता है. They are used as crystal filled catalyst. इनको crystal filled catalyst की form में भी use करते हैं. सॉरी Friedel-Crafts कैटलिस्ट होते हैं. जो Friedel-Crafts एल्काइलेशन है या Friedel-Crafts एसाइलेशन है उनके अंदर इनको एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है. बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयंस हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. दोनों का टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्स आयन बनाने का. जैसे BeF4-2 ऐसे ही एल्यूमिनियम AlF6-3 यानी दोनों के दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं. तो ये दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज है जिसकी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप देते. तो बच्चों समझ में आ गया आपको डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है. बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या क्या सिमिलरिटीज है जिसकी वजह से वो डायगोनल रिलेशनशिप दे रहे. क्लियर है. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.